आपको होना आप होइए, नहीं होना है मत होइए। आप किसी पे उंगली कैसे उठा रहे हैं? काम किसी का मोहताज नहीं होता है। कोई एक एक्टर आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा और आपको फिल्म मिलेगी। बहुत दुखी आत्मा है वो लोग बेचारे जिनको ये संस्कार और ये परिवेश मिला है, या और जो चैनल्स हैं जो डरते नहीं हैं उनके दबदबे से, वो लोग रिलीज करेंगे और कर ही रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश और मेरे साथ हैं इस वक्त अक्षरा सिंह। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं, खुश हूं। अब ये बताइए कि जो आपने आंदोलन छेड़ रखा था कहाँ तक पहुँचा है? चूँकि बात पुलिस तक जा चुकी है और इसमें मेरा कुछ कहना अभी सही नहीं है। पुलिस अपना जो प्रोसीजर उन लोगों का होता है वो करने में लगी है और बहुत जल्द जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। आप खुश हैं कानून व्यवस्था जो आपके साथ सपोर्ट कर रही है? अभी तक तो लग रहा है कि लोग सपोर्ट में हैं। जो भी केस फाइल हुआ है उस तरीके से उन लोगों का जो काम है वो तो कर ही रहे हैं। ये बताइए, जो आपको झगड़े गालियां पड़ रही थी, ट्रोल साहब को ट्रोल कर रहे थे, धमकी वाले कॉल्स आ रहे थे, वो सारे अभी भी जारी हैं, बंद हो गए हैं या कम हो गए? अब धमकी जो दिलवा रहे थे जब उनका नाम आ गया तो जाहिर सी बात है वो धमकी तो बंद होगी, पर इनको पता नहीं है कि वो ट्रेस भी किया जाता है, तो वो पुलिस की तरफ से सारी चीज़ें चल रही हैं और धमकियां बंद हो गई हैं। और साथ ही जो कमेंट्स आ रहे, कमेंट्स पे तो हालांकि मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, जो भी ट्रोल कर रहे हैं मुझे, आई डोंट प्रेफर गोइंग देयर एंड चेक कि क्या कर रहे हैं लोग, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं या अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं है, सो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाती हूँ। बट हाँ, अपनी चीज़ें जो लड़ाई मैंने शुरुआत मैंने की है तो उसको लड़ने में लगी हूँ, दैट्स इट। पवन जी का अभी तक कोई बयान नहीं है इसको लेकर के? ना दे बयान, किसने मांगा है? आप लोग जानिए क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे उस बारे में कुछ कहना ही नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब सभी को सब कुछ पता है और सभी बच रहे हैं इस पर कुछ बोलने से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको कोई कॉल आया सपोर्ट का, किस तरह से हेल्प मिली है या कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, इंटरनली तो सब जानते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, इंडस्ट्री के एक एक लोग जान रहे हैं सारी चीज़ें, पर जिनको सपोर्ट करना है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं करना है वो नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए जो बहुत खुश हैं इन चीज़ों को लेके कि भाई किसी ने तो आवाज़ उठाई, और इंटरनली कोई सामने नहीं आके कह रहा है या कह रही हैं, सो ये एक चीज़ हुई है। बाकी मैंने पहले भी बोला था कि मैं चूँकि किसी एक की ये लड़ाई हमेशा एक आदमी अपनी लड़ता है, तो उसमें ये उम्मीद मैंने पहले भी नहीं की थी कि कोई मेरा साथ देगा। साथ दें मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आभारी रहूँगी, नहीं दें तो भी आभारी रहूँगी। जो आपके काम सारे रुक चुके थे, आपके जो म्यूजिक सॉन्ग वगैरह बन गए थे रोके जा रहे थे, वो रिलीज हुए हैं और क्या बाकी काम चालू हैं? अभी भी काम पर रोक लगी हुई है? म्यूजिक पे अभी जहाँ जहाँ रोक लगा था वहाँ तो रोक लगा ही हुआ है, उस चैनल से नहीं जा रहे हैं गाने मेरे, बट उसके अलावा मरता क्या ना करता, अभी मेरे रास्ते बंद किए जाएंगे तो मैं थोड़े रुकने वाली हूँ, कहीं और चैनल बनाऊँगी, अपने चैनल से गाना रिलीज़ करूँगी, या और जो चैनल्स हैं जो डरते नहीं हैं उनके दबदबे से वो लोग रिलीज़ करेंगे और कर ही रहे हैं। जी से अभी गाने आए सावन के, बिहारी वुड है उससे गाने आए, और मैंने अपना चैनल भी क्रिएट किया है उससे भी गाने आए, सो चल रही हैं चीज़ें, धीरे धीरे लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ये चैनल है जहाँ अक्षरा सिंह का पर्टिकुलर गाना इस चैनल पे आने वाला है, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इस पिछले मसले से काफ़ी डिस्टर्ब आप हो गए थे, तो अब आपके फैंस को एक बहुत बड़ा धमाका आपकी तरफ से क्या कुछ मिलने वाला है? कौन सा कुछ खास प्रोग्राम, कौन सा गाना या कौन सी फिल्म? खास प्रोग्राम बहुत अच्छी फिल्म के साथ आने वाली हूँ, क्योंकि काम किसी का मोहताज नहीं होता है कि हाँ भाई कोई एक एक्टर आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा और आपको फिल्म मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको काम आता है तो आप रास्ता खुद ही बनाओगे, खुद ही निकाल लोगे, सो मैंने अपना रास्ता बनाया और अब काम करने बहुत जल्द जाने वाली हूँ, और वो एक धमाका आएगा मेरी ऑडियंस के सामने जो कि
लोगों को अच्छा लगेगा आई गेस। फैन से अब आपको सपोर्ट मिल रहा है या फिर वैसे ही जैसे ट्रोल चालू था? फैंस ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं जिन लोगों को ये पता है, चूँकि मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा है कि मेरी जर्नी किसी से छुपी नहीं है, चीज़ें खुद ब खुद उजागर हो गई थी उस समय जब हम साथ थे, और उसके बाद भी जो जो चीज़ें आई वो पब्लिकली मीडिया में सारी चीज़ें आ चुकी थी। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करने वाले इंडस्ट्री में कुछ क्या बोलूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये मीडिया में चीज़ें क्यों ला रही है या ये क्यों, मैं सच क्यों नहीं बोलूँगी, जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं वो तो मैं ओपन अप होंगी। आपको होना आप होइए, नहीं होना है मत होइए। आप किसी पे उंगली कैसे उठा रहे हैं कि मीडिया में चीज़ें आ रही हैं या ये जानबूझ के कर रही है? आपको पता है क्या, आपको किसी की आप बीती पता है? अगर आपको पता नहीं है तो आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? पहले जान लीजिए चीज़ों को। ये जो पूरा का पूरा विवाद है, इसके बाद अब फैंस का किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस विवाद से ही नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तब से मेरे जितने फैंस हैं लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और चूँकि मेरी ये वाली जो जर्नी है वो लोगों से छुपी नहीं है, सारी चीज़ें उजागर हैं, तो उस वजह से भी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और अब भी दे रहे हैं। जो एक्चुअल मेरे फैंस हैं वो सब मेरा बहुत साथ देते हैं, जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा और भी कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो ट्रोल्स कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई संदेश हो? जो ट्रोल्स कर रहे हैं उन जो ऐसे ही खाली फोकट का बैठे हुए हैं, वो ट्रोल्स तो करेंगे ही ना, उनको मैं क्या कह सकती हूँ। आप खाली उनको इंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए कि किसी को गाली दे दो माँ बहन की, या किसी को कुछ बोल दो, किसी को कमेंट करना इज़ अ वेरी इजी थिंग, कि घर बैठे और किसी पे उंगली उठा दिया, दैट्स इट। तो उनके घर में भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी माँ बहन होंगी, उनका परिवेश होगा वैसा, इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। तो मैं उस बारे में ये कहूँगी कि बहुत दुखी आत्माएं हैं वो लोग बेचारे, जिनको ये संस्कार और ये परिवेश मिला है, उनको थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए, थोड़ा जीवन में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, बजाय कि हम किसी को गाली दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अक्षरा, जिनका आंदोलन अभी भी जारी है और इन्हें विश्वास है कानून व्यवस्था पर, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। आप देखते रहें इंदिरश, मैं हूँ धर्म दुबे, नमस्कार, धन्यवाद।